नमस्ते, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मिक्स वेजिटेबल, जिसमें मैंने यूज किया है एक फूल गोभी, चार आलू, पाव भर गाजर और एक कटोरी मटर और दो टमाटर की प्यूरी मैंने जो पहले से तैयार कर रखी है, एक दो मिर्ची हरी, लहसुन अदरक का पेस्ट, गार्लिक के लिए हरा धनिया, दो चम्मच ऑयल, मसालों में स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम गैस ऑन करते हैं, सब्जी बनाते हैं। पैन गर्म होने पे हमारा पैन गरम हो गया, इसमें ऑयल डालेंगे। हमारा पैन गरम हो गया, इसमें हम जीरा डालेंगे। देखिए लाल हो गया हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, भून गया अच्छे से। अब सब्जी डालेंगे। पांच मिनट तक फ्राई करना है। डालेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। सब्जी में मिक्स कर देंगे।
का मैसेज। गरम मसाला थोड़ा सा पानी डालेंगे। और 15 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हमारी सब्जी तैयार हुई कि नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी सब्जी में। हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। ये गैस बंद कर देंगे। इसके लिए हरा धनिया डालेंगे। हमारी सब्जी बन चुकी है, आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।